हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्स नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वी लुकअप की अनबिलीवेबल वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम एनए एरर को कैसे रिमूव करते हैं और उसकी जगह अपना एक कस्टम एरर मैसेज कैसे रख सकते हैं। यानी कि जब भी आप वी लुकअप यूज करते हैं और वी लुकअप यूज करने के दौरान अगर आपका वी लुकअप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाता है आपकी टेबल के अंदर से, तो वो क्या करता है आपके लिए ये एनए का एरर रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस एनए एरर की जगह अपना खुद का एक कस्टम मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो के अंदर ये काम करना सीखेंगे। तो ये खूबसूरत चीज हम सीखना स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोज तो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। एंड नाउ इस वीडियो के अंदर वी लुकअप लगाना मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वी लुकअप लगाना तो ऑलरेडी मैं अपनी पिछले 5 वीडियोज में सिखा चुका। तो वी लुकअप क्या करता है, आपके लिए मनचाहा आंसर लेकर आता है आपके डेटा के अंदर से। चलिए मैं लगाना सिखाई देता हूं, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब मैं चाहता हूं कि इस नाम के बेस पर मेरे इस टेबल के अंदर से जहां पर भी टोटल कॉलम के अंदर इस बंदे के मार्क्स लिखे हुए हों टोटल, वो लेकर आ जाए वी लुकअप फॉर्मूला। तो मैंने कॉलम्स कॉमा एंड मेरा जो आंसर है वो कौन से कॉलम नंबर में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें में है, तो मैंने 8 टाइप किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंड नाउ मेरा आंसर आ गया 299। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा यहां पर कोई आंसर नाम चेंज कर दूंगा तो एज यूजुअल वी लुकअप मेरा क्या करेगा, आंसर चेंज कर देगा, जैसे राजेश, ये देख रहे हैं आप आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस सेल के अंदर अपनी कंडीशन वाले सेल के अंदर कोई एक ऐसा नाम लिख देता हूं जो मेरे इस टेबल के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे टेस्ट, ये देख रहे हैं आप टेस्ट जैसे मैंने लिखा तो इसने मेरे लिए एरर लेकर आया एनए। वो इसलिए लाया है क्योंकि यहां पर कहीं पर भी इस टेबल के अंदर टेस्ट नाम इसको नजर ही नहीं आया, तो इसलिए वी लुकअप लेकर आया है एनए का एरर। एंड नाउ अब मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं कोई नाम लिखता हूं और वो नाम उस टेबल के अंदर नहीं मिलता है जिसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला एनए एरर ला सकता है, तो वहां पर मैं अपना कस्टम मैसेज कैसे ड्रॉप करूंगा। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए अपने इस फॉर्मूला को एडिट करूंगा और एडिट करने के बाद मैं यहां पर स्टार्टिंग मैं आऊंगा जहां पर मैंने वी लुकअप की स्टार्टिंग की थी और यहां पर टाइप करूंगा इफ एरर। इफ एरर एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको यूज किया जाता है कस्टम एरर मैसेज जनरेट करने के लिए। इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने इफ एरर की वीडियो में सिखाया हुआ है कि आप इफ एरर फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मैं आपको इफ एरर की वीडियो का जो लिंक है वो अपने इस वी लुकअप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाएं और इफ एरर फॉर्मूला को डिटेल में सीखें कि इफ एरर फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। और उसके बाद कॉमा प्रेस किया। अब यहां पर क्या हुआ, जब मैंने इफ एरर फॉर्मूला लगाया तो मैंने इफ एरर फॉर्मूला के अंदर वी लुकअप को डाल दिया और वी लुकअप के अंदर जो भी आंसर आएगा वो क्या करेगा, ये इफ एरर फॉर्मूला ला देगा। लेकिन अगर आंसर नहीं आता है, कोई एरर आता है, तो इसके लिए मुझे क्या एरर जनरेट करना चाहिए वो मैं इस डबल कोट्स के अंदर डिफाइन कर दूंगा, जैसे नॉट फाउंड, देख रहे हैं आप। अब ये क्या करेगा, जब भी इसको मनचाहा रिजल्ट उस टेबल के अंदर से नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, मेरे लिए हमेशा नॉट फाउंड का एरर लेकर आएगा। जैसे अब यहां पर मैं रोहन लिखता हूं तो एज यूजुअल रोहन मेरे उस टेबल के अंदर है तो उसके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा नाम लिखता हूं जो इस टेबल के अंदर है ही नहीं तो ये क्या करेगा, उसके लिए मुझे नॉट फाउंड का एरर लेकर आएगा। So, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल के अंदर वी लुकअप के अंदर जब हमारे एनए एरर आ जाते हैं तो उन एनए एरर को कैसे फिक्स किया जाता है और उसकी जगह अपना एक कस्टम मैसेज कैसे ड्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा वी लुकअप का, चलिए वो तो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं वी लुकअप की नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।